गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है संडे, सो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज है मेरा स्किन केयर रूटीन, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ अपना स्किन केयर शेयर किया जाए। तो बस इसी के साथ मैं आ गई हूँ अपना स्किन केयर शेयर करने। तो मेरा ऑनेस्ट स्किन केयर है और मैं उसी पे रहती हूँ। मतलब मेरा ड्रेस्टिकली कभी चेंज नहीं होता है जल्दी, जब तक मुझे कोई और प्रोडक्ट्स अच्छे ना दिखें। तो या आज है मेरा स्किन केयर, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होता है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। ठीक है, स्टे ट्यून। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो बालों को ही सिक्योर करेंगे हम। सो आफ्टर सिक्योरिंग माई हेयर आई हैव टू ऑप्शन फॉर दिस और दिस। सो देखते हैं कौन से मेरे पर ज़्यादा अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये ब्लैक वाला लगाती हूँ, बट मुझे ये थोड़ा सा जम नहीं रहा था मेरे आउटफिट के साथ, तो मैंने इसको स्विच करके वो जो ब्रॉड वाला था हेयर बैंड उसको लगाया। पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ये, तो फिर मैंने इसको लगाया। ये मेरे पर अच्छा लग रहा है, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। तो फाइनली इसी के साथ हम मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को सिक्योर कर लिया है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इकोलॉजिका का फेस वॉश लिया है, ये रेड वाला वेरिएंट, आप बहुत पॉपुलर, और ये डी टैन फेस वॉश है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत माइल्ड है। इसकी ज़रा सी क्वांटिटी आपके पूरे फेस को जो है अच्छे से वाइप कर देती है, बहुत अच्छे से क्लियर करती है आपके डेड स्किन सेल। जैसा कि इस पर मेंशन है कि ये डी टैन फेस वॉश है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ मैं अपनी बिंदी रिमूव करूँगी, अदरवाइज़ वो भी बेकार हो जाएगी। हालांकि एक बार लगाने के बाद दूसरी बार वो बेकार हो ही जाती है, बट स्टिल हमेशा कुछ भी करें तो सबसे पहले जितनी भी चीज़ें हैं उसको हटा दें। लाइक अगर आपने कुछ भी लगाया है तो यहाँ पे अच्छे से मसाज करके 1 to 2 minutes का मसाज देते हैं हमेशा फेस वॉश करते टाइम। मेक श्योर कि एकदम अच्छे से लाइक सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं करूँगी यहाँ पे फेस स्क्रब जो है सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने गुड वाइफ्स का फेस स्क्रब लिया हुआ है एज यू कैन सी। तो यहाँ पे मेरे लगाते हुए की क्लिप डिलीट हो गई थी, आई डोंट नो वेयर इट इज़। तो यहाँ पे मैंने पपाया वाला स्क्रब लेके, एज यू नो गाइस पपाया वाला स्क्रब कितना अच्छा होता है। इस स्क्रब पे मेंशन है इवन स्किन टोन फेस स्क्रब बाय पपाया एंड गुड वाइब्स। और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट कितने जेंटल होते हैं वो आप सब लोग जानते हैं। और मेक श्योर अगर आपका कहीं भी पिंपल है या कोई भी एक्ने मार्क्स है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श मत होइए। जैसे कि मेरा यहाँ साइड में है तो मैंने वेट करने के लिए यहाँ पे रोज़ वाटर का यूज़ किया है। आप नॉर्मल वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रब करते टाइम थोड़ा फेस जो है हमारा ड्राई हो जाता है, और जब इसको हम वेट करेंगे तो अच्छा सा फेस पे जो है जो फिंगर्स होती है वो अच्छे से ग्लाइड करती हैं। तो आप अच्छे से नोज़ एरिया को कंसिडर करें, चिन एरिया को कंसिडर करें, और लिप के नीचे जो एरिया होता है उसको भी अच्छे से कंसिडर करें, ताकि एप्लीकेशन बहुत अच्छा हो और एकदम स्मूथ सॉफ्ट हो। नोज़ एरिया को बिल्कुल भी ना फॉरगेट करें, मेरे नोज़ पे थोड़ा सा ब्लैक हेड्स होते हैं तो मैं वहाँ पे ज़्यादा ट्रिगर करती हूँ अपने स्क्रब को लेके। सो यहाँ पे स्क्रब मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको वॉश करूँगी। सो द थर्ड स्टेप इज़ एज यू कैन सी द ग्लो, द थर्ड स्टेप इज़ फेस पैक जो कि है पपाया का, और गुड वाइब्स का ही फेस पैक भी है यहाँ पे। और आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की होती है, तो ये कुछ इस टाइप का टब लाइक पैकेजिंग में होता है, और इसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, नॉट टू ब्राइट येलो, इट्स अ लाइट येलो कलर। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपने फिंगर की मदद से ही लगाऊंगी। मुझे वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट लगता है अगर मैं ब्रश या इसकी तरीके से लगाती हूँ, और मेरे को जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होता है ब्रश हमेशा उस तरीके से नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे मैं फिंगर से पूरे फेस को, फोरहेड को, चिन एरिया को, अंडर आई एरिया को मैं फिंगर से ही, हमेशा आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा कि मैं जो है हमेशा फेस पैक फिंगर से ही लगाना प्रेफर करती हूँ।
तो यहाँ पे अच्छे से अंडर आई एरिया को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और बहुत ज़्यादा अंडर आई एरिया पे लगाना भी नहीं है कि आपने एकदम आई लैशेस के पास पास में लगा लिया है, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपने आराम से अच्छे से इसको स्प्रेड करना है एक एक जगह पे, लाइक अपर लिप पे, लोअर लिप पे, और उसके नीचे आपने नेक को भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है ज़रा सा भी। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप एकदम इवन लेयर पे, मिरर वगैरह पास में हो तो वहाँ भी देखिए, क्योंकि कैमरे में हमेशा नहीं दिखता, तो मैं यहाँ पर मिरर में देख के अच्छे से हर जगह इवन लेयर अप्लाई कर रही हूँ। एज यू कैन सी, देखिए मेरे चिन एरिया पे थोड़ा सा कम है, तो मैं मिरर की हेल्प से मैं पूरा अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी। और एज यू कैन सी, मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, और ये देखिए पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड हो चुका है। डरना मत, 15 मिनट वेट करेंगे देन उसको वॉश ऑफ कर देंगे। और ये बहुत अच्छा स्क्रब है, लाइक फेस पैक, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट बाद, तब तक मैं थोड़ा चिल करूँगी, मे बी रीडिंग, मे बी स्नैपचैट, जो भी मुझे सही लगता है। तो आगे मैं कंसीडर करूँगी स्नैपचैट के साथ, क्यूट क्यूट से फ़िल्टर के साथ मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो एक ये है फ़िल्टर, और दूसरा मेरा फेवरेट है किसेस वाला फ़िल्टर है, मुझे तो इसके फ़िल्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं स्नैपचैट के। तो आप लोगों को कैसे लगते हैं वो भी बताना मुझे। तो यहाँ 15 मिनट्स हो गए हैं ड्राई आउट होने के लिए, तो अब हम इसको वॉश ऑफ करेंगे। सो यहाँ पे मैंने देखिए वॉश ऑफ कर लिया है, और आपको अच्छे से डिफरेंस समझ आ रहा होगा बिफ़ोर एंड आफ्टर का। तो यहाँ पे मैं वाइप कर लूँगी एक्सेस वाटर को, और आप देखिए कितना प्यारा ग्लो आता है। और जब भी आप स्किन केयर करते हो तो ग्लो ऑटोमेटिक आ ही जाता है, क्योंकि डेड स्किन्स और पोल्यूशन की वजह से जो भी डर्ट वगैरह होती है वो सब वाइप ऑफ हो जाती है। तो ये देखिए ग्लो कितना सुंदर है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम मूव ऑन करेंगे मॉइस्चराइज़र के साथ। तो यहाँ पे मैंने डॉट एंड की का सेरामाइड मॉइस्चराइज़र लिया हुआ है, ये ब्लू वाला। इसकी पैकेजिंग स्काई ब्लू कलर की है, इसमें मेंशन रहता है कि आपको इसमें सेरामाइड्स मिलेंगे, हैलुरोनिक एसिड मिलेंगे। सो अभी के लिए एक्स्ट्रा में हैलुरोनिक एसिड लगाने का ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप विंटर में इस क्रीम को ट्राई करते हो तो मेक श्योर हैलुरोनिक एसिड ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना। तो एकदम अच्छे से मसाज करते हुए क्रीम को इवनली स्प्रेड करने के बाद, देखिए ये क्रीम वाकई में बहुत अच्छी है, यू शुड हैव अ ट्राई। सो आफ्टर दिस आई एम अप्लाइंग सनस्क्रीन, जो कि डॉट एंड की तरफ से है। ये थोड़ा फ्लूइड सनस्क्रीन है, लाइक नॉट थिक नॉट हार्ड, तो ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, लाइक जेल, लाइक जेल तो नहीं कह सकते, लाइक फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी। तो ये देखिए मैंने इतना लिया है, इतना इसलिए लिया क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी। तो मैंने अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया है इवनली पूरे हर जगह पे। तो ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से स्प्रेड किया है। आपको भी सनस्क्रीन ऐसे ही लगाना है अगर आप घर पे हो, और अगर आप बाहर जा रहे हो तो 2 फिंगर रूल पे अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन को एकदम अच्छे से हर जगह इवनली स्प्रेड कर लिया है। नाउ मूव टू द लिप्स। तो यहाँ पे लिप्स पे मैं अप्लाई करूँगी गुड वाइब्स का ये बीट रूट का लिप बाम। ये लिप बाम इतना अच्छा है, इसकी पैकेजिंग तो लग्जरी है ही, बट ये वाकई लगाने में भी उतना ही प्यारा है। ये देखिए ये है बीट रूट का लिप बाम। मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, बट डोंट वरी, मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। ये कुछ पिंक सॉर्ट ऑफ पे हैं, और इस पर टेंट भी है, तो आपको एक्स्ट्रा ग्लॉस वगैरह अप्लाई करने का नीड नहीं रहेगा। हल्का सा ये टेंट देगा आपके लिप्स को, लाइक बीट रूट है तो लाइट पिंक कलर का टेंट देगा। और ये देखिए टेंट पे कितना प्यारा लग रहा है लिप्स। मुझे टिंटेड लिप बाम अच्छे लगते हैं, यू शुड गिव अ ट्राई। और इसको आप एज अ ब्लश भी यूज़ करते थे, जो भी आपका रिमूवल प्रोडक्ट बचा होगा। देन आई अप्लाई बिंदी, इसके बिना तो मेरा दिन ही नहीं कम्प्लीट होता है। आई लव टू अप्लाई बिंदी। सो या दिस इज़ ऑल। और यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ अपने हेयर्स को, presentable, you know. So yeah guys, this is all about the video, this is all about the honest skincare routine which I follow 2 times in a week. So अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना, और आपको ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे लगते हैं, और ये मेरे स्किन कॉम्बिनेशन है तो ये प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से हैं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपको भी सूट करेंगे, बट हाँ आप ट्राई करोगे तो आपको खुद ही पता पड़ेगा ना कौन सा सूट कर रहा है कौन सा नहीं। ऐसे कई प्रोडक्ट्स मेरे साथ भी होते हैं जो मुझे लगता है कि मुझे सूट करेंगे, बट मैं उसे परचेज़ करने के बाद मुझे लगता है कि गए काम से। तो इसलिए टेस्ट एंड ट्राई करें, और जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हैं वो ज़रूर से ज़रूर लें, और अपने स्किन केयर का
ध्यान रखें, स्क्रब वीक में 2 टाइम्स करें, नॉट मोर देन 2 टाइम्स, अदरवाइज आपके स्किन हार्श हो सकती है। और मुझे जाना है घर, तो ये नए बुलाए मेहमान तो आने ही थे। इतनी खुशी मुझे आज तक। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको घर जाना होता है या कहीं पार्टी पे जाना होता है या कहीं, तो यार ये पिंपल क्यों आ जाते हैं भाई। ऐसा तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ भी नहीं करती, बट ओके चले जाएंगे आई गेस। नहीं नवरात्रि फेस्टिवल सीजन है तो इनको आना है, दिवाली होगी तो इनको आना है, मतलब क्या ही बताएं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ओके चलो बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और दशहरा भी आने वाला है, इसीलिए मैंने स्किन केयर किया। मुझे लगा शायद आपको थोड़ा बहुत इससे कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हों जो आपको नहीं पता हो, पर गुड वाइब्स के फेस पैक और स्क्रब ऑसम है, बहुत अच्छे हैं। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो गिव इट अ ट्राई, और फिर आप खुद मुझे बताओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट्स बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि, बाय।